हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 इन रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम करने वाले स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज। अगर दो रेशोज इक्वल है तो उसमें आज हम ऑपरेशन सीखेंगे, लेकिन कंडीशन है कि ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो देखते हैं, फर्स्ट वन इनवर्टेंडो, इनवर्ट, इनवर्ट मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। अगर दो रेशोज इक्वल है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो इनवर्टेंडो मतलब बी अपॉन ए, इसका उल्टा, ए अपॉन बी का बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 2/3 इक्वल्स टू 4/6। अगर 2/3 इक्वल है 4/6 के, तो इसको उल्टा करके लिखो, 2/3 का उल्टा इन्वर्ट कर दो, 3/2, 4/6 का इन्वर्ट 6/4। सो अगर 2/3 और 4/6 दोनों इक्वल हैं, तो 3/2 इक्वल्स टू किसके होगा, 6/4। आते हैं नेक्स्ट, अल्टरनेंडो, ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना। किसे चेंज करना है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ऑल्टरनेंडो में इन दोनों को चेंज कर दो। अगर ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, तो इसका मतलब ए अपॉन सी और बी अपॉन डी, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो भी ये इक्वल ही होंगे। कैसे, 2/3, अभी एग्जाम्पल लिया 2/3, 4/6 दोनों इक्वल है। अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, 4 को नीचे ले आते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं, तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2/4 कितना, 1/2, 3/6 कितना, 1/2, इक्वल आया ना। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सो ये डिनोमिनेटर को इसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, 2/3 4/6 है ना, 4/6 का मतलब क्या होता है, 2 2s are 2 3s are, दोनों रेशोज इक्वल है। अब इसमें हम लगाते हैं कंपोनेंडो, सो ये क्या हो जाएगा, 2+3/3, 4+6/6, सो कितना आया, 5/3, ये कितना आया, 10/6, कैंसिल होकर ये भी कितना आ जाएगा, 5/3। सो इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सो ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, इसे बोलते हैं कंपोनेंडो। और अगर यहां पर प्लस की जगह हम माइनस लिख देंगे, तो ये बन जाएगा डिविडेंडो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सो ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, प्लस के प्लेस पर माइनस तो डिविडेंडो, प्लस तो कंपोनेंडो, माइनस रहेगा तो डिविडेंडो। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ एक साथ, तो क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो ये हो जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/2 6/4, ओके दोनों इक्वल है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो 3+2/3-2, 6+4/6-4, तो 5/1 10/2, दोनों सेम 5, ओके। सो ये हो गई कंप्लीट पांच प्रॉपर्टी। इनवर्टेंडो उल्टा करना है, अल्टरनेंडो बी और डी को चेंज करना है, कंपोनेंडो प्लस करना, डिविडेंडो में माइनस करना है,
और कंपोनेंडो डिविडेंडो में प्लस और माइनस दोनों। अब हम यूज करेंगे इन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस सेट 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें a अपॉन b दिया हुआ है 7/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। पांच प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट्स, देखने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस है नीचे माइनस, 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b मतलब देखकर समझ में आता है कि हमें यहां पर यूज करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कैसे यूज करेंगे, ओके तो ध्यान से देखो, a अपॉन b कितना है 7/3, लेकिन a के आगे हमें चाहिए 5 और b के आगे हमें चाहिए 3, तो क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/3 से। सो जो भी करना है वो लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 ऑन बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा ये, 5a/3b 35/9। अब हमें पांच में से कौन सा ऑपरेशन यहां करना चाहिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। सो क्या लिखेंगे, 5a प्लस 3b ऐड करेंगे और 5a में से ही 3b को माइनस करेंगे। यहां पर भी सेम, 35 प्लस 9 35 माइनस 9, क्या किया, मेंशन करो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 44, कितना आएगा, 44/46, ओके। सो 26, जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b 22/13। सेम क्वेश्चन को एक मेथड से और परफॉर्म किया जा सकता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में, बट हम ट्राई करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज का ही यूज करें। दूसरा मेथड भी स्टूडेंट्स में बता देती हूँ, यहाँ पर a अपॉन b किसके इक्वल है, 7/3। सो a किसके इक्वल, 7m, b किसके इक्वल, 3m, ओके। अब बस जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b, यहाँ पर पुट कर दो 7m, b की जगह 3m, 5 × 7m, b की जगह 3m, a के प्लेस पर 7m, सो कितना हो जाएगा, 35m प्लस 9m, 35m माइनस 9m, सो ये हो जाएगा 44m अपॉन 26m। आंसर सेम आएगा बट मेथड अलग है, ओके। मेथड क्या फॉलो किया, a और b का रेशो 7:3, सो a की जगह 7m, b की जगह 3m इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर। बट अभी हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर्टीज सीखी हैं, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो अप्लाई करना चाहिए जिससे कि उन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो। ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगी वो ये प्रॉपर्टीज यूज करने वाली। फर्स्ट में चार पार्ट है स्टूडेंट्स, पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ सिमिलर है। a अपॉन b कितना दिए, 7/3, और हमें वैल्यू निकालनी है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। अगेन प्लस माइनस मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लेकिन a के आगे 7 चाहिए, b के आगे 9 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 7/9 से
दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, लिख देना मल्टीप्लाइंग बाय 7/9. तो 7a/9b 49/27. अब क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस करो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को माइनस. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. 49 + 27, 49 - 27 कितना हो जाएगा. ये यहां रीजन लिखना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो ये हो जाएगा 7a + 9b, 7a - 9b. ऐड करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 76 और यहां पर कितना आ जाएगा 22. कैंसिल कर दो 11 और ये कितना हो जाएगा 38. सो 7a + 9b, 7a - 9b, 38/11. सेकेंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स. सेकेंड पार्ट पे हमें वैल्यू निकालनी है 2a² + 3b² 2a² - 3b² फर्स्ट और फोर्थ पार्ट के जैसे, प्लस ऊपर नीचे माइनस. बट यहां पर पहले दो में सिंगल एक ही प्रॉब्लम थी, यहां दो दो प्रॉब्लम्स है. क्या प्रॉब्लम है, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया फोर्थ पार्ट किया उसमें ए और बी का यूज था, है ना. तो हमने सिंपल 7/9 से मल्टीप्लाई करके कंपोनेंडो डिविडेंडो. यहां पर हमें ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, चाहिए ना. तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे आएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 49/9. ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए वो तो हम ले आए. अब वापस ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर के आगे 2 चाहिए, बी स्क्वायर के आगे 3 चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ए के आगे 2, बी के आगे 3, ठीक है. दोनों साइड जो इधर करेंगे सेम टू सेम आरएचएस में करना पड़ेगा. 49/9 क्या किया हमने, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2/3. तो क्या हो जाएगा, ये 2a² 3b² 98/27. यहां तक समझ में आया, 2 × a² 2a² 3 × b² 3b² 2 × 49 98 3 × 9 27. अब हम यूज करेंगे यहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. समझ लो क्या होता है, a/b c/d, ये दो रेशोज इक्वल है. तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, ऊपर में नीचे वाला प्लस और ऊपर में से ही नीचे वाले को माइनस. a + b a - b, ऐसे ही c + d c - d. कैसे समझ में आया, प्लस चाहिए माइनस चाहिए. तो चलो अब करते हैं 2a² + 3b² 2a² - 3b² सेम हम राइट हैंड साइड में करेंगे. 98 + 27 98 - 27 और रीजन तो लिखना पड़ेगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ओके, सो हम लिख सकते हैं 2a² + 3b² 2a² - 3b² ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 125. सबट्रैक्ट करो कितना आएगा, 75.
वन. सो दिस इज द आंसर. स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है. ए क्यूब बी क्यूब दिखाई दे रहा होगा, है ना. ए अपॉन बी कितना दिया है 7/3, लेकिन जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें ए क्यूब और बी क्यूब है. तो अभी हमने क्या किया था सेकेंड पार्ट में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. सो अब हम क्या करेंगे, सॉरी थर्ड पार्ट है, अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. अब क्यूब क्यों कर रहे, स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे. ए क्यूब बी क्यूब, तो क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड. ए क्यूब बी क्यूब, 7 cube 3 cube. सो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब 343/27. अब हमने पहले जो तीन पार्ट करे सब में हमने यूज किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों, क्योंकि ऊपर था प्लस साइन और नीचे था माइनस साइन. तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों, लेकिन यहां पर सिर्फ ऊपर माइनस साइन है, तो क्या करेंगे, डिविडेंडो, है ना. सो यहां पर हम लिखेंगे बाय डिविडेंडो. डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, माइनस. कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, प्लस. याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाती हूं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी. तो डिविडेंडो में क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी. न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, सी माइनस डी अपॉन डी. तो सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब 343-27/27. तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब. सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा यहां पर, 316/27. इन क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स जिसमें 15a² + 4b² / 15a² - 4b² की वैल्यू हमें दी हुई है 47/7 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज निकालनी है. ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमें a अपॉन b की वैल्यू निकालनी है. ओके तो ये जस्ट अपोजिट है सेकेंड क्वेश्चन में. याद करो फर्स्ट क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a अपॉन b की वैल्यू दी हुई थी और हम ये सब वैल्यूज निकालते थे. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी बात है कि हमें a अपॉन b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम आगे की रेशोज निकाल सकते हैं. तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, प्लस है नीचे माइनस, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी. तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पर क्या आता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. तो ये क्या है, ए, ये क्या है B, दिस इज C, दिस इज D. सो A प्लस B, A प्लस B, फिर A माइनस B. यहाँ पर 47 + 7, 47 - 7, 47 + 7 इट इज 54, 47 - 7 इट इज 40. और यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस है, साइन सेम रहेंगे, लेकिन जब माइनस साइन होगा तो ये माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस का. तो ये और ये कैंसिल, नीचे प्लस का 15a² माइनस का 15a² कैंसिल. तो कितना हो जाएगा, 30a² / 8b² 4b² + 4b² 8b² = 54/40. तो स्टूडेंट्स यहां पर a² / b² की वैल्यू क्या होगी, ये 8 ऊपर आएगा, 30 नीचे. सॉल्व करो इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 6 5 जार
सिक्स नाइन जार, एट वन जार एट, एट फाइव जार फोर्टी। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ गया, नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो देयर फोर ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव। कैसे, स्क्वायर रूट, ए अपॉन बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पर हो जाएगा ए अपॉन बी, और 9 अपॉन 25 को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5। सो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5। फ्रेंड्स अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला, ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी निकाली, 3 अपॉन 5। बस इसके आगे का सेम है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब हमें वैल्यू निकालनी है 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b। याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में a के आगे 7 चाहिए, b के आगे 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, a अपॉन b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बाय 3 से। एक साइड में किया तो दूसरे साइड में भी 7 अपॉन 3 से, लिख देना मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 7 अपॉन 3। सो 7a अपॉन 3b ये कितना हो जाएगा, 23 से 3 कैंसिल, 7 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, प्लस है माइनस है, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 7a प्लस 3b, 7a माइनस 3b, 7 प्लस 5, 7 माइनस 5 बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो ये हो जाएगा 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b, 12 अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 1। बट अभी भी हम एक स्टेप पीछे हैं, हमें ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है नीचे माइनस, तो क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, इनवर्टेंडो। तो क्या लिखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, नाम भी थोड़े से डिफिकल्ट है और एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है तब आएंगे, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, नाम याद रखने भी मुश्किल है ना, उल्टा लिखना तो क्या हो जाएगा, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। सो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जरा तुम लोग मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ, क्वेश्चन देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास ए अपॉन बी की वैल्यू है 3 अपॉन 5, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है क्या उसमें ए और बी है, नहीं, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 9 अपॉन 25। अब और आगे देखो, a के आगे क्या लिखा है, b के आगे तो कुछ नहीं है 1 है, बट a के आगे क्या लिखा है 2, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर a स्क्वायर के आगे 2 लिखा, तो इधर भी 9 के आगे क्या लिखना पड़ेगा 2, रीजन क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 18 अपॉन 25।
अगला स्टेप क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, प्लस है और माइनस है, लेकिन बी स्क्वायर में से, तो बी स्क्वायर पहले चाहिए, ए स्क्वायर वाला बाद में चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसे इन्वर्टेंडो उल्टा कर देना चाहिए। सो उल्टा करने पर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर 25 अपॉन 18। अब इसमें यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 25 प्लस 18, 25 माइनस, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऐड करने पर कितना आएगा, 43 है ना, अपॉन माइनस करने पर कितना, 7। क्या ये राइट आंसर है, यही चाहिए था हमें, नहीं, हमें ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो वापिस से हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेंडो। अगर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो मैंने तुम्हें दूसरा मेथड भी बताया है, वो भी ट्राई कर सकते हो। वो मेथड क्या है, ए की जगह क्या रख दो, 3k, बी की जगह रख दो 5k, और सॉल्व करते जाओ तो भी सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट जो बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्क्वायर की जगह पर क्या है, क्यूब, तो मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ, स्क्वायरिंग की जगह क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, कितना आएगा, 27, 125, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब। अब ए क्यूब के आगे हमें क्या चाहिए, 2, सो 2 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, सो सिर्फ क्यूब होता जाएगा, ये हो जाएगा 54, 125। अब इन्वर्टेंडो बी क्यूब ए क्यूब 125, 54, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, 125 प्लस 54, 125 माइनस 54, सेम स्टेप्स चल रहे हैं। ओके, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, कितना आएगा, 179 माइनस करने पर 71। सो क्या ये राइट आंसर है, नहीं, इसको वापस इन्वर्टेंडो, सो बी क्यूब माइनस 2a क्यूब, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, 71 अपॉन 179। मुझे पता है स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको मैं फिर से सिंपल मेथड से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर तुम्हें ये मेथड जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो इजी लगे, तो उस मेथड को तुम फॉलो कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, a अपॉन b कितना दिया है, 3:5, इसका मतलब a कितना, 3m, b कितना, 5m। ओके, इसे हम कहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान से देखो, अभी ये मेथड सिंपल है और मुझे लगता है कि शायद तुम इस मेथड को इजीली फॉलो कर सकते हो, बट कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो की हेल्प से ही कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने सभी क्वेश्चंस उसी मेथड से सॉल्व किए हैं। बाकी तुम्हें जो इजी लगे उसको फॉलो करो। सो कितना आएगा, 125 में से 54, 71 एम क्यूब, ये कितना, 170, कितना आएगा यहाँ पर, 27 3 0, सो दिस इज द आंसर।
ये भी एक मेथड है और सभी क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें a अपॉन b पता होना चाहिए। a को 3m, b को 5m, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसमें पुट करो, सॉल्व करो, तीन स्टेप में क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कवर अप किए दो क्वेश्चंस, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे मैडम ये मेथड इतना सिंपल था तो सभी क्वेश्चन इस मेथड से क्यों नहीं लिए और स्टार्टिंग में ये मेथड क्यों नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताती तो तुम सुनते भी नहीं कि इन्वर्टेंडो किसे बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। सिंपल इस मेथड से सब क्वेश्चंस करते, लेकिन जब हमने कोई नई बात सीखी है मतलब वो हमें यूज़ करनी आनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे, नाम मेंशन करोगे इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, तो मुश्किल नहीं आएगी जब सेकेंड टाइम करोगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep watching and keep learning.